लेकर लोगों की जान बचाने वाले एनडीआरएफ और सेना के जवानों का शुक्रिया करना लोग बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। खास तौर पर तब जब रक्षाबंधन का त्योहार सिर पर हो, कई फीट तक जमे बाढ़ के पानी से महिलाओं को निकालने वाले एक जवान को कई महिलाएं राखी बांधने पहुंच गईं। हर एक औरत यहां पर जितनी भी हैं, ये सभी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, ये रेस्क्यू करके निकाले गए वो लोग हैं जो कोल्हापुर में आई हुई बाढ़ में शिरोल में तालिका जो है उसमें फंसे हुए थे। हर महिला ने एक एक कर जवान को तिलक करने के बाद कलाई पर राखी बांधी। जान उन्होंने बचाया, इसलिए हमारा बंधु है, वो हमारा बंधु है, वो हमारा भाई है। थाली में मिठाई के नाम पर चीनी के कुछ दानों का ही इंतजाम हो पाया, लेकिन महिलाओं के इस अंदाज ने सेना के जवान को भावुक कर दिया। ये मैं आपको मेरे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, अभी ऐसा लग रहा है कि ये वर्दी मिला के मेरे को अपने आप को काफी खुशनसीब फील हो रहा है, और मेरे को इन्होंने भगवान का दर्जा दे चुका है, पर ये मैं हूँ नहीं, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। एनडीआरएफ और सेना के जवानों को राखी बांधे जाने की कई तस्वीरें बाढ़ प्रभावित जिलों से सामने आई। कोल्हापुर से भावुक करने वाली कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। सेना के जवानों को पगड़ी बांधकर कोल्हापुर के उन लोगों ने सम्मानित किया जिनकी जान इन जवानों ने बचाई। ये पगड़ी महाराष्ट्र में मान सम्मान से जोड़ी जाती है। पगड़ी पहनाने के बाद लोगों ने जवानों का तिलक कर उन्हें सम्मानित किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की शिरोल तहसील में बाढ़ का पानी तो कम हो गया, लेकिन सैलाब की वजह से यहां जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि भारी बारिश की वजह से यहां कई घर धराशायी हो गए, जबकि सैकड़ों की संख्या में घर सैलाब में डूब गए। इतना ही नहीं, यहां के निचले इलाकों पर बाढ़ का पानी अभी कई फीट तक भरा नजर आया। घर तो डूबे दिखाई ही दिए, साथ ही सरकारी दफ्तरों में भी सैलाब का पानी पहुंचा नजर आया। यहाँ सरकार के द्वारा थोड़ी थोड़ी मदद आने शुरू हो गई, अब देखा जाए तो यहाँ के हालात थोड़े सुधर गए। इस बीच ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में भी बाढ़ से हुई बर्बादी की तस्वीर दिखाई दी। हालांकि धीरे धीरे अब जनजीवन पटरी पर आता दिखाई देने लगा है। इसी बीच कुछ आदमी एक गाय को सीढ़ियों से उतारते नजर आए। दरअसल शिरोल तहसील का ये वही इलाका है जहां सैलाब ने सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया, और यही वजह है कि सैलाब का पानी कम होने के बाद एनडीआरएफ ने लोगों तक मदद पहुंचाने का काम तेज कर दिया। और इसी कड़ी में एनडीआरएफ की टीम अलग अलग इलाकों का दौरा करती दिखाई दी। इस दौरान एक ट्रक में बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन लाया गया, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने बोट पर लादकर लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान पीड़ित गाँव वाले भी एनडीआरएफ के साथ पूरा सहयोग करते दिखाई दिए, जबकि सैलाब से प्रभावित इलाके पर एक हेलीकॉप्टर लगातार हालात का जायजा लेता दिखाई दिया। उधर कच्छ में समुद्री सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 15 अगस्त को आतंकी हमले के अलर्ट के बाद गुजरात के कच्छ में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की जानकारी दी, साथ ही लोगों से पीएम राहत कोष में ज्यादा से ज्यादा मदद की अपील की। राजस्थान के उदयपुर में 25 लोगों को घायल और 2 लोगों की जान लेने वाले एक आदमखोर तेंदुए ने एक 13 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हरियाणा सरकार रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को फ्री यात्रा कराएगी। अक्षय कुमार का सोनाक्षी सिन्हा का मेकअप करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 15 अगस्त को आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही वाहनों की तलाशी शुरू कर दी गई। यूपी के गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। गुजरात के सूरत में एक मिठाई बेचने वाले ने 15 अगस्त रक्षाबंधन के मौके पर हिंदुस्तान के नक्शे वाली और पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर लगी एक खास मिठाई बनाई, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। पाकिस्तान के कराची में बीते एक महीने में दूसरी बार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में फिर बाढ़। इस बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से जुलाई से अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जबकि एक बार फिर कराची में कड़कती बिजली के साथ हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। पानी इतना बरसा कि सड़कें नदी में बदल गईं। एक सड़क पर तो कई फीट पानी भर गया। एक इलाके में बाइक सड़क पर बहने से बच गई। बारिश से मलेर नदी एक बार फिर उफान पर आ गई, जिसका पानी निकलकर हाईवे को पार करता दिखा। पानी की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। एक इलाके में क्रेन के अगले हिस्से को पकड़कर जान बचाने वाले लोगों को नाव से बाहर निकाला गया। कोई देखने वाला नहीं है, वोट के लिए सब लोग आ जाते हैं, दरवाजे बजाते हैं, और वैसे कोई नहीं देखने वाला। बाढ़ से बचाव के लिए सेना को भी लगा दिया गया। एक इलाके में करंट लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। बाद में बिजली काटे जाने से सैकड़ों मकान अंधेरे में डूब गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुरुंद वार्ड में एक ऐसा गांव है जहां सैलाब का सितम अब तक जारी है।
पंचगंगा और कृष्णा नदी के संगम पर बसे इस गांव में अभी भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ी हुई हैं। कुरुंदवाड़ के प्रवेश द्वार पे हम दाखिल हुए हैं और ये देखें कुरुंदवाड़ का ये गांव किस तरह से बर्बादी के आलम में है। आपको पूरे गांव की हालत ये दिखाई पड़ेगी कि बरसात रुक चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कुरुंदवाड़ का ये गांव जो है वो अभी भी बाढ़ की चपेट में है। सैलाब की वजह से यहां हालात ऐसे हो गए कि ना तो लोगों के घरों में अनाज बचा और ना ही पीने का पानी, जिस वजह से वहां छीना झपटी के हालात पैदा हो गए। यही वजह रही कि राहत सामग्री की लूट को रोकने के लिए वहां कोल्हापुर पुलिस के जवान भी तैनात दिखाई दिए। बचाव का सामान जैसे ही गांव में पहुंचता है वैसे ही लोगों की कतारें लग जाती हैं। लोग जो हैं वो टूट पड़ते हैं क्योंकि बाढ़ के चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। भी यहां पर देखें लोग कतारें लगाकर किस तरह से एक एक बोतल पानी के लिए जो है वो परेशान हो रहे हैं। कुरुंदवाड़ में न्यूज 18 की टीम जहां से गुजरी वहां हालात बेहद ही खराब दिखाई दिए। कई फीट भरे पानी के बीच लोग पानी की एक एक बोतल के लिए जूझते नजर आए। जैसे सामान आता है टूट पड़ते हैं लोग, लोगों को रोका नहीं जाता है क्या? रोकता है तो, पर पानी बहुत दिन के बाद आया ना। अरे सब कपड़ा बर्तन बर्तन सब घर में डूब गए हैं। असल में नदियों के संगम के करीब बसे होने की वजह से कुरुंदवाड़ में अभी तक कई फीट तक पानी भरा हुआ है और कुछ ऐसा ही हाल है नरसिंहवाड़ी गांव का भी, जहां रिहायशी इलाका किसी टापू की तरह नजर आया। हमारी नजर जहां गई वहां कई फीट पानी भरा दिखाई दिया। नरसिंहवाड़ी का ये वो इलाका है जहां पे अब पानी कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर जीवन जो है वो अभी भी बस नहीं सकता क्योंकि घर अभी भी चपेट में है बाढ़ की। पानी का स्तर कम हुआ है और यहाँ पर पहले से बहुत सुधार हुआ है। नरसिंहवाड़ी के ही करीब मौजूद दत्त मंदिर पहुँचने पर स्थिति और गंभीर दिखाई दी क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। यहाँ लोग अपने घरों की बालकनी में पानी के कम होने का इंतजार करते दिखाई दिए। यहाँ पर देश विदेश से कई सैलानी यहाँ पर आते हैं दत्त महाराज का मंदिर में दर्शन करने के लिए। लोगों की आस्था है, माना जाता है कि यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं, लेकिन पूरी तरह से दत्त मंदिर डूबा हुआ है। दो नदियों के संगम पर बसे इस गांव में एनडीआरएफ के लिए भी कई चुनौतियां पेश आईं क्योंकि यहां ना तो लोगों को आसानी से रेस्क्यू करना आसान है और ना ही उन तक राहत सामग्री पहुंचाना। कुरुंदवाड़ी का गांव इस पंचगंगा और कृष्णा नदी के संगम के दूसरी तरफ है और ये हिस्सा वो है जहां पर दोनों नदियों का संगम होता है और यहां पर आलम यह है कि लगातार पानी का जो करंट है, जो कटाव है वो काफी तेज है। यहां पे पानी हमेशा रहेगा और पानी के साथ साथ जो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आई ड्यूरिंग रेस्क्यू भी करते समय, यहां पे करंट का फ्लो बहुत ज्यादा रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अनाज और दवाएं लेकर कुरुंदवाड़ गांव पहुंचे, लेकिन सैलाब का पानी बढ़ा देख उन्हें अपनी कार छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ा। यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक पांच मंजिला इमारत के झुक जाने से लोगों में दहशत फैल गई। बताया गया कि इस इमारत के ठीक बगल के खाली प्लॉट में नींव खोदी गई जिससे ये इमारत झुक गई और पांच मंजिला इमारत की दीवार पर मोटी दरार पड़ गई। इमारत के आगे और पीछे दोनों ओर करीब एक इंच मोटी दरार दिखी जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। सामने से देख सकते हैं कि मकान में जो है ऊपर तक दरार दिख रही है और यही दरार जो स्थानीय लोगों में खतरे का कारण है। स्थानीय लोगों में जो दहशत बची उसके पीछे यही वजह है कि मकान जो है वो एक इंच करीब जो है वो झुक गया है। इमारत के झुकने की खबर को प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया और उसकी ऊपर की दो मंजिलों को तोड़ने का आदेश दे दिया। कोशिश कर रहे हैं कि इसे सही सेफ तरीके से इसको इसकी बिल्डिंग के ऊपर से जो भी वजन कम करना हो किया जाए जिससे कि ये बिल्डिंग सेफ रहे। दरार पड़ने की वजह से जो मकान झुका उसमें मकान मालिक के परिवार के अलावा और भी कई लोग रहते थे जिन्हें प्रशासन ने तुरंत मकान खाली करने का आदेश दे दिया। जुलाई 2018 में ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अवैध तरीके से बनाई गई ऐसी ही दो इमारतें हादसे का शिकार हो गई और उस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस बार प्रशासन ने वक्त रहते न केवल खतरनाक बनी इमारत को खाली करवाया बल्कि उसके पास रह रहे लोगों के घर भी खाली करवा दिए। ये खाली करवा दिया सबने कि मकान गिर रहे हैं। कितने मकान खाली हुआ इलाके के कुछ लोगों ने बताया कि झुक जाने की वजह से मकान के अंदर भी दरारें आ गई और वो किसी भी वक्त गिर सकता है, लेकिन मकान मालिक ने इन बातों को नकार दिया। 14 कोला में मकान के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अफवाहें उड़ गई है बिना फालतू की, कुछ भी नहीं है मकान के अंदर, आप खुद देख सकते हो। ओडिशा में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। राज्य के 5 जिले बाढ़ से बुरी तरह से बेहाल हैं, जिनमें बलांगीर भी शामिल है जहां बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।
और अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बलांगीर के हरिशंकर मंदिर में आए सैलाब ने तो लोगों को खौफ से भर दिया। मंदिर की सीढ़ियों से बहती जलधारा ने पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया। सैलाब सब कुछ तहस नहस करने को आतुर दिखा। समंदर में जैसे लहरें उठती हैं, मंजर ठीक वैसा था। मंदिर आए सैकड़ों लोग मौत के मुंह में फंस गए। हर जगह पानी भरा दिखा। मंदिर के बाहर भी कई लोग फंस गए। किसी तरह एक दूसरे की मदद से इन लोगों ने अपनी जान बचाई। हरिशंकर मंदिर में ऐसा सैलाब 2011 में भी आया था, तब बलंगीर जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। इस बार भी हालात ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं और मौसम विभाग का अनुमान है कि ओडिशा को फिलहाल इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में अगले 48 घंटे भारी बारिश होगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। इस चेतावनी ने बलांगीर जिले को और भी डराकर रख दिया है, क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ से जिले के लोग पहले ही बेहाल हैं। नदियां और नाले खतरनाक हो चुके हैं और कई इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भरा है। आप देख सकते हैं कि पानी का कैसे बढ़ती जा रही है, थमने की नाम नहीं रही। अभी ऊपर से पानी जो आ रहा है, नीचे ड्रेनर नहीं हो पा रहा है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ की मार ने खाने पीने का संकट खड़ा कर दिया है। घंटों लोग भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। एक इलाके में तो इसका असर भी दिखा। लोग सैलाब में आधे डूब चुके हैंडपंप से अपने बर्तनों में पानी भरने की कोशिश करते दिखे। इन तस्वीरों ने बाढ़ के दर्द को साफ बयां किया। एक आदमी तो पीठ पर अपने बच्चे को लाद कर वहां से निकलने की कोशिश करता दिखा। पानी कमर से ऊपर तक था, इसलिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। कई बार तो लगा जैसे वो डूब रहा हो। बलंगीर में ये हालात अचानक नहीं बने, पिछले 72 घंटों से जिले में बादल मुसीबत बनकर बरस रहे हैं और मौसम विभाग के मुताबिक ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की अनदेखी की भी खबरें सामने आई। आरोप है कि लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने के लिए किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोग उफनती नदियों के किनारे घंटों फंसे रहे। मदद की राह देखते लोगों को 24 घंटे बाद भी कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन की ये अनदेखी भी तब देखने को मिल रही है जब बलंगीर में हालात डरा देने वाले हैं। नदियों का पानी घुसने से कई इलाके कट चुके हैं तो कई इलाकों में सैलाब आया हुआ है। लोगों के मकानों में भी पानी घुसना शुरू हो गया है। लोग मकानों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, अगर उतनी ही ताकत के साथ बादल बरसे तो लोगों के लिए छतों पर चढ़कर जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी